नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं ड्राइव सेंस। हमेशा ही आपके लिए ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। दोस्तों, जब भी हम नई ड्राइविंग सीखते हैं तो हम खाली रोड पे प्रैक्टिस करते हैं या फिर ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। अब हमें डर को दूर करने के लिए हमें ट्रैफिक में भी जाना पड़ता है, हाईवेज पर भी जाना पड़ता है और खराब रोड पर भी गाड़ी चलानी पड़ती है। अब ऐसे में नए ड्राइवर्स अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हैं तो नए ड्राइवर्स के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम आती है, सभी के साथ प्रॉब्लम आती है, नए ड्राइवर हो या फिर थोड़े 10-15 दिन सीखे हुए ड्राइवर हों। मान लीजिए आप शुरुआती दिनों में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो, ठीक है, सामने आपकी गाड़ी चल रही है, सामने वाली गाड़ी ने एकदम से ब्रेक लगा दिया और आपने भी क्लच दबा के ब्रेक लगा दिया, ठीक है। अब उसी समय तुरंत जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, आपकी गाड़ी रुकी, उसी समय सामने वाली गाड़ी आगे बढ़ने लग गई। अब वहां पे दिक्कत आ जाती है नए ड्राइवर्स को। अब वो क्या दिक्कत आती है वो समझो, सामने वाला आगे निकल गया लेकिन आप कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। दो चीजें होती है नए ड्राइवर्स के साथ, या तो गाड़ी झटका मार के बंद हो जाती है या फिर आपको बहुत समय लगता है गाड़ी को उठाने में। इतनी देर में पीछे फंसे हुए जो भी गाड़ी वाले हैं हॉर्न बजा बजा के आपको परेशान कर देते हैं। उसमें हमारी ही गलती होती है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है, हम नए ड्राइवर होते हैं, कि हम क्या गलती कर रहे हैं। खाली रोड पे चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है और भीड़ भाड़ वाले एरिया में चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो आज के वीडियो में ये टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप शुरुआती दिनों में बम्पर टू बम्पर चल रहे हो तो आपको क्या करना है। दोस्तों, मान लीजिए आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो, ठीक है, सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया, आपने भी क्लच दबा के ब्रेक लगा दिए, उसी समय सामने वाली गाड़ी आगे बढ़ गई, तो आपको उस समय क्या करना है। जैसे ही आप क्लच दबा के ब्रेक लगाते हो आपको तुरंत फर्स्ट गियर लगा देना है, क्लच तो आपका दबा ही हुआ है। अब जैसे ही सामने वाली गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको अपने क्लच की हैबिट के हिसाब से आप क्लच रिलीज करना है, ठीक है। क्लच रिलीज करोगे तो अपनी गाड़ी अपने आप ही आगे बढ़ेगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सिंपल सा बस इतना काम आप कर लो, आपको ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही आपको एक काम करना है ट्रैफिक में, आप शुरुआती दिनों में सिर्फ ये करो, आप आराम से ट्रैफिक में गाड़ी चला पाओगे। अब मान लीजिए अभी जैसे कि मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब मैं चलता हूँ, ठीक है। सीट बेल्ट नहीं लगाया है, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं खाली रोड पे हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं चल रहा हूँ, मैंने लगाया सेकंड गियर, ठीक है, अब मैं सेकंड गियर में हूँ। अब मान लीजिए मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आ गया हूँ, सामने वाली गाड़ी ने अचानक से लगा दिया है ब्रेक। अब ब्रेक जैसे ही उसने लगाया मैंने क्लच दबा के ब्रेक लगा दिया, ठीक है, अब इतने में मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मेरी गाड़ी रुक गई। अब जैसे सामने वाला चला मैं अपना क्लच छोड़ूंगा और ये बस इतनी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब क्लच कैसे कंट्रोल करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दूंगा। सिचुएशन के हिसाब से मैंने क्लच मूवमेंट बताया हुआ है, आप वो देखिए, आपको आसान लगेगा, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे उस चीज को। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी कि किस तरह से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला जाता है, समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो को लेकर के कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।